राजधानी शिमला में रोजगार मेले का आयोजन गेरी थिएटर में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता पूरा करने की दिशा में ये रोजगार मेला एक प्रयास है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर बल दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र का कार्य कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। शिमला के गेटी थिएटर के इस कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ऐतिहासिक जगह भी है और ऐतिहासिक कार्यक्रम भी यहां पर हो रहा है, और देश भर के 45 स्थानों से जुड़े हुए सभी अपने युवा साथियों का, जिनको आज रोजगार के लिए और सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उन सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अपनी ओर से करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया था कि हम एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे, तो बहुत सारे मंत्रियों में था कि इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, प्रक्रिया बहुत जल्दी है, जटिल भी है, क्या करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, अनेक बार विभागों से बैठक लेकर सुनिश्चित करवाया कि जल्द से जल्द सरकारी नौकरियां, जहां पर पद खाली वहां पर मिलनी चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज ये पहला नहीं, पांचवां रोजगार मेला यहां पर लगाया जा रहा है मेरे भाई और बहन। अनुराग ठाकुर ने नवनियुक्त युवाओं से बदलाव में हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि युवा किसी भी क्षेत्र में बदलाव के भागीदार बनेंगे तो निश्चित समय से पहले ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में या गरीब कल्याण में, ग्रामीण विकास में, कोई भी ऐसा क्षेत्र आपको लगता है कि आप बदलाव देखना चाहते हैं, उस तरफ या उस क्षेत्र में आप अपना योगदान देना चाहते हैं, जितने घंटे आप सरकारी नौकरी के लिए काम करते हैं उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन एक क्षेत्र कोई ऐसा चुनिए जहां पर आप बदलाव देखना चाहते हैं, उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं और स्वयं अपने से उस बदलाव को शुरुआत कीजिए। चाहे किसी गरीब के बच्चों को पढ़ाने की बात हो, किसी की मदद करने की बात हो, किसी को स्वास्थ्य सुविधा देने की बात हो, अगर 10 लाख लोग जो जिनको इस साल नौकरी मिलने वाली है वो सब अगर एक एक क्षेत्र ऐसा चुनेंगे जहां पे बदलाव लाना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप लाखों लोग आने वाले वर्षों में इस देश में इतना बड़ा बदलाव लाओगे कि हमें 25 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा विकसित भारत बनाने का, हम उसको भी आधे समय में पूरा कर लेंगे, जैसे हम प्रोजेक्ट और अपना डिस्टेंस उसको भी आधा कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने विभिन्न विभागों में नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।